Assalamu alaikum viewers, myself Sayyida Tayyib Abukhari and welcome to my channel. Viewers, hum kabhi kabhi ye sunte hain ki samandar ke andar internet ki cable kharab hone ki wajah se internet nahi chal paya ya chal nahi raha. Kya kabhi aapne ye socha hai ki kaisi cable hai? Is cable ko kisne samandar ke gehre farsh par fix kiya? Ye cable kaise kaam karti hai aur ye cable kitni mehangi hai? पूरी दुनिया का मवासिलाती निज़ाम इन्हीं तारों के ज़रिए चल रहा है और इन केबल्स को हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स बोलते हैं. एंड टुडे इज़ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल्स. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो व्यूअर्स काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली नोटिफाई हो सकें. सो लेट्स गेट स्टार्ट. व्यूअर्स, ये केबल्स सिल्वर या कॉपर की बजाय आला किस्म के शीशे या प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं. इस केबल की 3 लेयर्स होती हैं. इसके सबसे ऊपरी हिस्से यानी कि रबर की तह को हम कवर या कोटिंग बोलते हैं. इसकी दरमियानी हिफाजती तह को हम खोतलिक या क्लैडिंग बोलते हैं और सबसे दरमियानी तह जो कि छोटी छोटी केबल्स पर मुश्तमिल होती है उसे कोर बोलते हैं, जो कि असल तौर पर कारामिद है. कोर में बहुत सी दूसरी केबल्स का सेट होता है और हर केबल में सैकड़ों बारीक शीशे या फिर प्लास्टिक के रेशे होते हैं. ये रेशे ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी बाल जितना मोटाई रखते हैं. ये तो आप जानते ही होंगे कि कायनात की सबसे तेज तरीन चीज़ क्या है. द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, यस, लाइट, मतलब रोशनी. रोशनी इस कायनात की तेज तरीन चीज़ है जिसकी रफ्तार कमोबेश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है. जबकि पाकिस्तान एंड अमेरिका के बिटवीन टोटल डिस्टेंस 12,373 किलोमीटर है. यानी कि लाइट की एक रे पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक का सफ़र 1 सेकंड के लाखों हिस्सों से भी पहले तय कर लेती है. हमारा टॉपिक रोशनी नहीं है, हमारा टॉपिक फाइबर ऑप्टिक केबल ही है. लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक फाइबर ऑप्टिक केबल दरअसल काम कैसे करती है और ये इतनी तेज़ी से डाटा कैसे ट्रांसफ़र कर लेती है. लेट्स सपोज मैं अपने कंप्यूटर पर यही पोस्ट कर रही हूँ. जैसे ही मैं ये पोस्ट अपडेट करूँगी, ये दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे फ्रेंड्स होंगे उन सबको विद इन सेकेंड्स नज़र आने लगेगी. ये कैसे मुमकिन हुआ? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक फाइबर ऑप्टिक केबल किसी सिल्वर या कॉपर वगैरह की तार नहीं होती. इसमें मौजूद हज़ारों रेशे आला किस्म के शीशे और प्लास्टिक से बने होते हैं और यही हमारे डाटा की रसाई का सबसे फास्टेस्ट सोर्स बनते हैं. मैंने जो ही पोस्ट की, ये मेरा डाटा एक ख़ास ट्रांसमीटर की मदद से पहले रोशनी में कन्वर्ट होगा, फिर ये फाइबर ऑप्टिक केबल में दाखिल होगा. जो ही ये डाटा इस केबल में दाखिल होगा, ये रोशनी की ही जितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा. इस केबल के एक रेशे में हज़ारों किस्म के डाटा एट ए टाइम सफ़र कर सकते हैं. फाइबर ऑप्टिक केबल की 3 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 पे है 288 काउंट फाइबर. इट्स वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप, जिसकी कीमत तकरीबन 5.87 पर फुट है. द सेकेंड वन इज़ 144 काउंट फाइबर, जिसकी कीमत 2.98 पर फुट है. एंड द थर्ड वन 24 काउंट फाइबर, जिसकी कीमत $0.68 पर फुट है. व्यूअर्स, इस केबल को समंदर की गहरी तहों में भी बिछाया जाता है और ज़ेर ज़मीन भी मुख्तलिफ मशीनरी के ज़रिए गड़ा खोद कर दबाया जाता है. जबकि समंदरों में इसको बिछाने के लिए एक शिप की ज़रूरत पड़ती है, जिस पे एक बहुत बड़ी टेप लाइन नस्ब होती है जहां फाइबर ऑप्टिक केबल लिपटी हुई होती है. फिर एक केबल लिवर जिसको शिप से बांध कर समंदर में गिराया जाता है. ये ऊपर केबल के टेप लाइन से केबल खींचता है जो समंदर के फर्श पे ख़ास तरतीब से बिछाता आता है. जो शिप आगे चलता जाता है, ये लीवर केबल बिछाता चला जाता है.
ये सिर्फ और सिर्फ हमवार समंदरी फर्श पे ही काबिले इस्तेमाल होता है। जेरे समंदर पहाड़ी चट्टानों पे केबल बिछाने के लिए एक और बरकी आले का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो पानी में तैरते हुए केबल को बिछाता है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स ही पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा ज़रिया कहलाती हैं। दुनिया के तमाम ममालिक एक दूसरे का मवासिलाती निज़ाम, जिसे हम कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं, इन्हीं फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ज़रिए ही रिसीव करते हैं। इन 1952 यूके बेस्ड फिजिसिस्ट नरेंद्र सिंह खपाने इन्वेंटेड द फर्स्ट एक्चुअल फाइबर ऑप्टिकल केबल दैट वॉज एक्चुअली बेस्ड ऑन जॉन टिंडल्स एक्सपेरिमेंट्स 3 decades अर्लियर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप यू लाइक द वीडियो। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इन केस ऑफ एनी सजेशन फील फ्री टू सजेस्ट इन कमेंट सेक्शन बिलो। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।